चैप्टर वन रिलेशन और फंक्शन, इसकी 1.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं हम. क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर, इसमें स्टार भी है साथ में, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इज 1 एंड ऑन टू, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. नॉन जीरो रियल नंबर्स है ये सेट, और फंक्शन है हमारा 1 बाय एक्स. इसको बताना है कि ये 1 और ऑन 2 है. इज द रिजल्ट ट्रू, यदि रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, यानी कि जो डोमेन है वो रियल नॉन जीरो रियल नंबर से नेचुरल नंबर में रिप्लेस कर दिया जाए विथ कोडोमेन बींग सेम एज द आर स्टार. यदि हम यहां पर इनमें एन का रिप्लेसमेंट कर दें, नेचुरल नंबर का रिप्लेसमेंट कर दें, तो क्या कोडोमेन आर स्टार ठीक रहेगा, इसको हमें देखना है. ठीक है, शुरुआत करते हैं. और हमें ये दे रखा है ये, और फंक्शन है एफ बाय एक्स. 1 मतलब ये है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए, यानी कि 1 बाय एक्स 1 बाय वाई के बराबर, यानी एक्स इक्वल टू वाई. तो एफ इज 1 टू 1. अब ऑन टू देखते हैं. ऑन टू कैसे डिफाइन होता है? अगर y बिलोंग करता है r को, r स्टार को भी मैं r ही बोल रहा हूं, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 1 बाय वाई. यानी कि देखिए, क्योंकि ये 1 बाय एक्स, इसको हम अगर इक्वेट कर दें y से, तो यदि y बिलोंग करता है, देखिए अगर y बिलोंग करता है r को, तो 1 बाय वाई, यानी कि x, ये 1 बाय वाई भी बिलोंग करना चाहिए आर को, जबकि वाई जीरो नहीं होना चाहिए. वाई जीरो हो जाएगा तो इन्फाइनेट हो जाएगा. सच दैट, चलिए एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, एंड एक्स को हम क्या लिखते हैं? व्हाट इज एक्स? एक्स इज गिवन एज एफ एक्स इज गिवन बाय, दिस इज नथिंग बट 1 बाय एक्स. तो हमने वाई इसकी जगह रख दिया, 1 बाय वाई की जगह, तो ये वाई के बराबर आ गया. तो एफ जो है वो ऑन टू भी है, तो 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया. इसका मतलब नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि 1 एंड ऑन टू है. अब हम कंसिडर करते हैं फंक्शन को. ये जो आर स्टार था, इसको हमने एन से रिप्लेस कर दिया, देखिए, है ना. तो क्या ये सही रहेगा, देखते हैं. तो फंक्शन क्या है? जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. जी एक्स वन ले लीजिए, जी एक्स टू ले लीजिए, 1 बाय एक्स वन 1 बाय एक्स टू. देखिए ऊपर भी हम 1 बाय एक्स वन एक्स टू ले सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये ऐसे करिए, चाहे ऊपर वाले तरीके से करिए, दोनों ही सेम है. तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, बस कोई दिक्कत नहीं है. चाहे कोई भी वैल्यू लीजिए, आपका हर एक वैल्यू के लिए एक वाई आएगा. मतलब वाई इक्वल टू 1x रखेंगे, हर एक एक्स के लिए वाई एक आएगा. ठीक है, ये 1 हो गया. फर्दर इट इज क्लियर दैट जी इज नॉट ऑन टू एज फॉर 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार. There does not exist any x in n such that gx equal is 1 by 1.2. अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल जो 1.2 है, ये हमने अपनी तरफ से लिया. ठीक, 1.2 क्या करता है? ये किसको बिलोंग करता है? r को, क्योंकि रियल नंबर है. अगर मैं 1 by 1.2 करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, फाइंड आउट करिए. ये 1.2 कोई भी डेसिमल, मैंने 1 लिया, आप 2.6 ले लीजिए, तो कभी भी इसको डिवाइड करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर तो मिलेगा नहीं. नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, है ना. तो नेचुरल नंबर तो आपको मिलेगा नहीं. ये देखिए 1 by 1.2 से नेचुरल नंबर तो मिलेगा नहीं. तो इसका मतलब 1 तो यहां मिल गया, लेकिन ये ऑन टू नहीं है. ठीक, समझ में आ गया आपको. अगले में आते हैं, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग. 1 और ऑन टू चेक करना है हमें इसमें. इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को कहते हैं. तो सबसे पहला है f इज सच दैट, ये जो रिलेशनशिप है, देखिए ये इस तरीके से सेट माना करिए आप. यहां से यहां रिलेशनशिप है इस तरीके की, है ना. ये आपका नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है. तो f क्या है? n टू n गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. चलिए शुरू करते हैं. एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है. इट इज सीन फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू n, कोई भी एक्स वाई बिलोंग टू n, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. कोई भी एक्स मानिए, एफ एक्स में आप एक बार एक्स रख दीजिए, एक बार वाई रख दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा.
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई। अगर किसी भी चीज का स्क्वायर बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। तो एफ इज इंजेक्टिव, 1-1 हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, इसका सर्जेक्शन चेक करते हैं, यानी इसका ऑन टू चेक करते हैं। कैसे? चलिए मानते हैं 2 बिलोंग करता है एन को, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। कोई एक्स ऐसा बिलोंग करता है जिसका स्क्वायर 2 होता है? नहीं बिलोंग करता। तो इसीलिए यहां पर ये दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। अगले वाले में, अगले में भी यही करना है कि हमको सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी चेक करनी है। तो एफ इज जेड टू जेड। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो डिपेंड करती है कि ये क्या नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर। अगर आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सब में, रियल नंबर्स में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है तभी आपसे ये सवाल हो पाएंगे। अगर नहीं है तो आप पिछले क्लासेस की किताब में जाइए, क्लियर कर लीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, तब आप ये अच्छे से सवाल कर पाएंगे। अब आए यहां पर, ये है जेड टू जेड, यानी इंटीजर टू इंटीजर। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एफ माइनस वन रखिए, क्या आएगा, रखे देखिए, माइनस वन रखिए इसमें, एक्स की जगह माइनस वन रखिए, क्या आएगा, 1। अब एक्स की जगह 1 रखिए, एक्स की जगह 1 रखिए, क्या आएगा, अगेन 1। यानी एफ माइनस वन पे और एफ 1 पे दोनों पे एक ही वैल्यू आ रही है, दिस इज नॉट इंजेक्शन। ठीक, यानी कि अगर आप ये दो सेट बनाएं, हम 1 इंजेक्शन मतलब 1-1। ठीक, यानी कि एक का एक से रिलेशनशिप होगा। ठीक, अब यहां पर हम अगर एक्स की जगह माइनस वन रख रहे हैं तो भी ये 1 की तरफ जा रहा है, और प्लस 1 रख रहे हैं तो भी ये 1 की तरफ जा रहा है। ठीक, दिस इज नॉट इंजेक्शन। ये एक ही कोई वैल्यू होगी वो इससे रिलेट करेगी, इसके लिए कोई दूसरी वैल्यू होनी चाहिए थी। अब आते हैं दूसरे इस पे, सर्जेक्शन पे। नाउ माइनस टू मानिए, आप माइनस टू ले लीजिए, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू। आप मान लीजिए माइनस टू बिलोंग्स टू जेड है, तो इसका मतलब माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू। आप क्योंकि माइनस टू भी तो इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, लेट्स इक्वेट इट। कोई एक्स है एक्स स्क्वायर हो सकता है जिसका माइनस टू है? नहीं, इसका मतलब ये ना तो इंजेक्शन है ना सर्जेक्शन है। थर्ड पे आइए, अब यहां रियल नंबर और रियल नंबर है। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस वन और वन रखिए, दोनों में वन आएगा, लेकिन माइनस वन और वन तो है नहीं अभी। जैसे पिछले बार मैंने बताया था कि वन वन है, इसका मतलब यहां पर जो भी वैल्यू है वो किसी एक ही वैल्यू से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि आप यहां पर जो वैल्यू रखेंगे रिजल्ट आपका एक ही आएगा, दो रिजल्ट नहीं आ सकते। दो रिजल्ट आ रहे हैं यहां पर, है ना, माइनस वन वन दोनों पे एक आ रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। सीधी सी बात यही दूसरे के लिए लागू होगी, आर आर चाहे रिलेशनशिप, ये चाहे ये रियल नंबर हो चाहे जेड हो। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू रखिए आप, माइनस टू भी तो रियल नंबर है। कोई ऐसा एक्स स्क्वायर हो सकता है जो माइनस टू, इसका मतलब यहां पर है कि मैंने ये एक सेट बनाया, दूसरा सेट ये बनाया। ठीक, अब यहां पर एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कर दीजिए, ये एक्स वाला बना दीजिए, ये वाई वाला, मतलब एक्स स्क्वायर वाला बना दीजिए, ये वाई वाला बना दीजिए। तो आपके पास ऐसा कोई टर्म है माइनस टू से संबंधित, यहां पर माइनस टू करिए, जिसका एक्स स्क्वायर माइनस टू आए, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सर्जेक्शन भी नहीं है। फोर्थ में आते हैं, एफ इज फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब करें यहां पर, किसी भी का क्यूब करें, जैसे 2 है, 2 का क्यूब करके देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 का क्यूब 8 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा 2 के अलावा जिसका क्यूब 8 आएगा। तो एक एक्स का और अगर वाई का अगर क्यूब 8 है, जैसे मैंने यहां पर, चलिए मान लीजिए कि मैं इसको भूल जाता हूं, मैं इस तरीके समझाता हूं आपको कि 8 है, यहां पर मैं एक्स करता हूं वाई करता हूं, एक्स क्यूब करता हूं वाई क्यूब करता हूं, और दोनों को बोलता हूं कि 8 आ रहा है, तो ये एक्स और वाई क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं? कत्ता ही नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई माइनस टू करो और 2 करो तो हर बार 8 आता है, माइनस टू का क्यूब करो और 2 का क्यूब करो।
वैसे माइनस टू और टू में भी नहीं आएगा, क्यूब तो फिर माइनस में माइनस हेड बनेगा। इसीलिए माइनस टू और टू कुछ भी करिए आप, वैल्यू आपकी आठ ही आएगी। इसलिए एक्स इक्वल टू वाई, एक्स है अगर कोई वैल्यू एक ही आ रही है तो एक्स और वाई को एक ही होना है, इसका मतलब एफ इंजेक्शन है एक ही। वन वन देखिए, वन वन का मतलब समझिए वन वन, यहां पर लेफ्ट इस रिलेशनशिप में, इस एन में और इस एन में, ये एन का सेट है, ये एन का सेट है, यहां पर एक होगा तो उसका जो जैसे कहते हैं ना, जैसे इमेज, यहां की इमेज एक ही होगी, दो नहीं हो सकती है, यहां की इमेज ऐसे दो नहीं हो सकती है। वन वन एक से एक का रिलेशनशिप रहेगा, एक से एक वैल्यू से एक ही रिजल्ट आ सकता है, दो वैल्यू से एक रिजल्ट नहीं आ सकता, अगर आता है तो फिर वो इंजेक्शन नहीं है। अब इसी तरीके से दो को ले लीजिए क्योंकि नेचुरल नंबर में है, कोई ऐसा एक्स स्क्वायर आपके पास है जिसको आप टू कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये सर्जेक्शन भी नहीं है। अगले में आते हैं, यहां पर भी आपके पास क्या है, इंटीजर है जेड और जेड इज गिवन बाय एक्स क्यूब, इसी तरीके से एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक, यहां पर जेड हो चाहे कुछ भी हो, आप एक्स क्यूब एक ही वैल्यू है, यानी इसका मतलब एक्स और वाई एक ही वैल्यू होनी चाहिए तभी एक्स क्यूब और वाई क्यूब एक वैल्यू होगी, अगर यहां टू होगा तभी टू क्यूब इक्वल टू टू क्यूब होगा, आठ और आठ बराबर होंगे। अगले में आइए, टू बिलोंग्स टू जेड, कोई ऐसा आपके पास एक्स क्यूब है जिसकी वैल्यू टू हो सकती है, कोई भी ऐसा एक्स क्यूब ढूंढ के बता दीजिए आप जिसकी वैल्यू टू होती है, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब सब्जेक्शन भी नहीं है, ना वन वन है ना ऑन टू है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आएंगे, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है, ठीक, इसको इस तरह लिखा जाता है, इज नीदर वन वन नॉन ऑर टू, ना ये इंजेक्शन है ना सब्जेक्शन है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या होता है इसमें कि इसका तात्पर्य ये होता है, जैसे आपने, मैं यहीं से क्वेश्चन समझाता हूं आपको, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत जगह यूज होता है, खासतौर पे जो जो कंपटीशन होते हैं आईआईटीज वगैरह में और लोकल एंट्रेंस में, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत देखा है मैंने। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 1.2 रखूं तो क्या आएगा, 1, क्योंकि 1.2 के नीचे आएंगे 1.2, 1.1 और 1, अरे 1 तो इंटीजर है, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ठीक। 1.9 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसका उत्तर 1.9 का अगर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, बोला कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपका 1.1 ही आएगा, मतलब 1. नहीं, केवल 1 ही आएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, हमारे पास fx इक्वल टू x है, 1.2 रखिए, 1.2 रखने पर 1 आएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, 1. रखेंगे तो भी 1.9 आएगा। लाइन नंबर से समझाता हूं, एक काम करता हूं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझाने में समझा नहीं पा रहा हूं मैं इसको, तो इस तरीके से कोशिश करता हूं, 1.2, 1.9 यहां पर 1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जैसे 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है, ये नंबर 9 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी सीधा आपको 1 पे ले जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। 1.2 के लिए भी 1 वैल्यू, 1.9 के लिए भी 1 वैल्यू। अब सीधी सी बात है कि 1.2 और 1.1 के लिए एक वैल्यू है, तो ये 1-1 तो है नहीं, 1-1 नहीं है। अगर ये 1.2 के लिए एक वैल्यू होती और 1.1 के लिए एक वैल्यू होती तो 1-1 होता, तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं है। एक आर से दूसरे आर के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर तो 1.2 के लिए भी 1 वैल्यू है, यहां तो 1.2 के लिए भी वैल्यू 1 है और 1.9 के लिए भी वैल्यू 1 है, और ये तो बिल्कुल नहीं चलता, ये दिस इज नॉट 1-1। चलिए साहब 1-1 तो बता दिया कि नहीं है, अब ऑन टू पे आते हैं। 0.7 मानिए, 0.7 लिखिए, 0.7 कहां पर आएगा, 0.7 लिखेंगे तो इंटीजर आएगा। दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0.1, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आपके 0.7 को ले सके, ठीक है। 0.7 अगर आप वैल्यू रख रहे हैं तो ऐसी कोई एफ एक्स में वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर की बात हो रही है, यहां पर कोई वैल्यू ही नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू, तो ना ये 1-1 है ना ऑन टू है। फोर्थ पे आते हैं, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स।
चले साहब, मॉड एक्स मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ. इज नीदर वन वन और नॉर ऑन टू, ना ये वन वन है ना ऑन टू है. वेयर मॉड एक्स इज एक्स, क्वेश्चन में ही दे रखा है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है. वेयर मॉड एक्स इज एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव तो जीरो रहेगा, एक्स नेगेटिव है, अगर ये एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स रहेगा. किस तरीके से उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखा जाए, तो एफ इज सच दैट आर फ्रॉम आर रिलेशन इज फ्रॉम वन आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और ये क्या है एक्स है यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और माइनस एक्स है अगर एक्स लेस देन इक्वल टू है. तो चलिए साहब एफ माइनस वन रख के देखिए क्या आता है, कोई एरर आया है इसमें, कोई बात नहीं, हम इस पे थे. एफ माइनस वन पे देखें क्या आया हमारा, वन, और वन पे क्या आया, ये भी वन आ गया. मतलब माइनस वन का मॉड करें तो भी वन, वन का मॉड करें तो भी वन. इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक ये फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, ये पहला आर है ये दूसरा आर है. माइनस वन वन रखिए, दोनों के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, ये तो चलेगा ही नहीं है, तो वन टू वन में होता ही नहीं है, तो ये तो है नहीं, इंजेक्शन तो है नहीं. सजेक्शन चेक करते हैं, माइनस वन चेक करिए आप, माइनस वन रखिए, माइनस वन रखिए, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं डोमेन में जहां पर मॉड एक्स जो है वो माइनस वन आया आपका. समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई ऐसी वैल्यू आप मुझे ढूंढ के बता दीजिए जिसका मॉड एक्स माइनस वन होता है, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब ही होता है चाहे माइनस वन डालें चाहे प्लस वन डालें हमेशा वन ही आएगा, माइनस वन आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे हम आ जाते हैं. शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज गिवन बाय दिस. ठीक है साहब, तो इसमें क्या करना है कि एफ एक्स हमको दिया है वन, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वन, एक्स जीरो के बराबर है तो जीरो, अगर एक्स जीरो से कम है तो माइनस वन. ये हमें बताना है कि ना वन वन है ना ऑन टू है, ना इंजेक्शन है ना सरजेक्शन है. अब देखिए एफ वन डालिए क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन जीरो है. आप यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर वैल्यू देता हूं वन, क्या वैल्यू आ रही है वन, टू तो भी वन, थ्री तो भी वन, ये तो काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा क्योंकि इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है. मतलब वन के लिए कोई, वन और टू थ्री के लिए कॉमन वैल्यू है, ये आपका क्लियर बताता है कि वन टू वन नहीं है. अच्छा अब आते हैं दूसरे पे, ऑन टू पे. अब एफ एक्स तो केवल तीन ही वैल्यू लेता है, वन जीरो या माइनस वन. फॉर दैट एलिमेंट माइनस टू इन कोन डोमेन इन आर, देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू. यानी कि यहां पर केवल आपके पास क्या है कि वन जीरो और माइनस वन ही आएगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है माइनस टू लायक. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप कोई भी वैल्यू के लिए जिरह कर सकते हैं इसमें. तो माइनस टू के लिए कोई है ही नहीं यहां पर, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, जबकि आप बोल रहे हैं कि ये रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर आने चाहिए इसमें. अब छठे पे आते हैं. लेट ए इक्वल टू वन टू थ्री, बी इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन, एंड लेट एफ इक्वल टू दिस, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ए आपको दिया हुआ है ये, बी आपको दिया हुआ है ये, और फंक्शन ये दिया है. शो दैट एफ इज वन टू वन. अब देखिए इसमें क्या करिए ना, सबसे बढ़िया तरीका आपको यू बनाइए, आप यहां पर लिखिए वन टू थ्री और यहां रखिए आप फोर फाइव सिक्स और सेवन. गोला थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा. अब बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू, शो दैट एफ इज वन फोर टू फाइव थ्री सिक्स, वन फोर टू फाइव थ्री सिक्स. देखिए साहब हर एक राइट जो आपका सेट है ए, उसकी यूनिक वैल्यू है आपके पास राइट में इधर पे बी में, तो ये बिल्कुल वन टू वन है. साथ छोड़ गया कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है साथ छूट जाए, लेकिन हर एक यहां की वैल्यू का एक ही यहां पर आपका एक डोमेन, एक कोडोमेन होता है, तो हर डोमेन का कोडोमेन होना चाहिए और हर एक रेंज का एक इमेज होनी चाहिए, इसीलिए ये आपका वन टू वन है. बाकी जो यहां लिखा है वो तो आपने खैर देख ही लिया होगा,
मैथमेटिकली तो इसको आपको ऐसे लिखना है कि f1 इक्वल टू 4, f2 इक्वल टू 5, f3 इक्वल टू 6. इट इज सीन दैट इमेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर f आर डिस्ट्रिक्ट, यानी इमेजेस इसकी जो भी आपके ए में है आर डिस्टिंक्ट, सब डिस्टिंक्ट है, कोई रिपीटेड नहीं है. अब सातवें में आते हैं, इन एच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 ऑन 2, यानी कि आपको इंजेक्शन और बायो इंजेक्शन बताना है आपको और जस्टिफाई भी करना है. तो पहला है आपका f इज r टू r डिवाइड बाय, दिस इज डिफाइंड बाय 3 माइनस 4x. चलिए x1 और x2 दोनों रख देते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 मान के चलते हैं. तो fx1 इक्वल टू fx2 अगर हम मानेंगे तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोलेंगे कि ठीक है साहब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x1 डालिए x2 डालिए, वो दोनों एक ही होंगे क्योंकि उसके जो कोई भी वैल्यू यहां ले लीजिए, ये दोनों एक ही होनी चाहिए. अगर आप इनके एक राइट वर्ड, ये आर है ये आर है, यहां पर एक ही होनी चाहिए. अगर ये दोनों अलग अलग ले लिए तो कहीं ना कहीं दोनों को एक ही होना पड़ेगा ताकि इसकी एक ही यहां पर वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आए. ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कर देते हैं, यानी कि इस फंक्शन में डालते हैं 3 माइनस 4 एक्स वन इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एक्स टू. इसको देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 भी डिवाइड हो जाएंगे माइनस 4, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, दैट इज एफ इज 1-1, एफ इज 1-1. ओके, ये तो क्या क्लियर हो गया. अब फॉर एनी रियल नंबर वाई इन आर देयर एग्जिस्ट 3 माइनस वाई इक्वल 4. देखिए यहां पर अगर इस एफ एक्स को वाई मान लीजिए, देखिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाह रहा हूं. आपके पास एक ये सेट है, एक ये सेट है, एक्स में जो जो वैल्यू डालेंगे वो उसका सेट ये होता है और वाई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो ये सेट होता है. तो आप देखिए अगर एक्स के रूप में वाई को एक्स के रूप में ये लिखा, एक्स को वाई के रूप में रखें तो कैसे करेंगे, 3 माइनस वाई बाई 4, वाई 3 को इधर ले जाएंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे 3 माइनस वाई बाई 4. तो एफ 3 माइनस वाई बाई 4 क्या होगा, इसमें रख के देखिए, इस वाले में एक्स की जगह 3 वाई माइनस बाई 4, दिस इज वाई. तो कोई भी वैल्यू आप रखेंगे एफ में वाई की वैल्यू रखेंगे तो वाई ही आएगी, तो ये ऑन टू है, इसका मतलब ये बाइजेक्शन भी है आपका, दिस इज ऑन टू. दूसरा है एफ इज आर टू आर और आपके पास ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर इसमें और सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, हम ये मान लिया. अगर ये एक्स वन और एक्स टू बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि 1-1 है. चलिए बना के देखते हैं, दोनों को इक्वेट करिए, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, लेकिन ये दोनों का रूट लेना पड़ेगा, रूट लेंगे तो प्लस माइनस टू आ गया, देखिए प्लस माइनस एक्स टू आ गया, यानी कि एक्स वन कैन बी प्लस एक्स टू एंड एक्स वन कैन बी माइनस एक्स टू. ये तो यहां पर गड़बड़ हो गया, इसका मतलब दो दो इमेज बन रही है हमारी, इसका मतलब ये एक ही एक करस्पॉन्डिंग बनेगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एक से रिलेशनशिप होनी चाहिए, दो दो नहीं हो सकते. यहां पर आप देखिए एक्स वन एक्स टू भी हो सकता है और एक्स वन माइनस एक्स टू भी हो सकता है, तो एक्स वन से दो की रिलेशनशिप हो गई तो ये काम नहीं चलेगा, इसका मतलब ये आपका पहले तो है नहीं, ये 1-1 तो है नहीं. और जैसे एग्जांपल भी दिया है, एफ वन डालो चाहे एफ माइनस वन डालो हमेशा 2 आ रहा है. अब देखते हैं हमारे पास माइनस 2 वैल्यू है कोडोमेन में, है ना, एक इसमें डोमेन होता है कोडोमेन होता है, डोमेन में मान लीजिए माइनस 2 है. चलिए डाल के देखते हैं इसमें माइनस 2. अब बताइए मुझे कि कौन सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी वैल्यू x में ऐसी कौन सी डालेंगे कि आपकी माइनस 2 आए. आप कोई भी नंबर बता दीजिए मुझे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x ऐसा वैल्यू डालिए कि ये माइनस 2 के बराबर आ जाए. ये कभी आ ही नहीं सकता, कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर में कुछ भी डालेंगे ये हमेशा प्लस आएगा और 1 प्लस एनी वैल्यू चाहे 0 ही डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, माइनस 1 डाल दीजिए, 2 जो भी आपके जहन में आ रहा है उसको डाल दीजिए, आप माइनस 2 कभी नहीं ला पाएंगे, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है. अब आठवें पे आते हैं, लेट ए बी बी टू सेट, दो सेट हैं जहां पर, अब यहां पर देखिए इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इसका सॉरी प्रोडक्ट और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन ए इंटू बी है, ये बी इंटू ए है, ध्यान दीजिएगा, सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन. हमको ये मिला हुआ है और जो रिलेशनशिप हो यहां पर है. तो मान लीजिए ए वन बी वन और ए टू बी टू आपका ए बी में बिलोंग करता है,
सच दैट ये वाला हमने मान लिया, तो बी वन ए वन इक्वल टू बी टू ए टू होगा। इसकी जगह क्या है, ये तो सीधा मैंने यहाँ पर रख दिया ना, अगर मैं इसको ए वन और बी वन कर दूँ तो ये बी वन ए वन हो जाएगा ना, इस तरीके से ए टू बी टू कर दूँ यहाँ पर तो बी टू ए टू हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमने ये माना है बी वन और कॉमा ए वन और बी टू कॉमा ए टू, इसका मतलब बी वन को बी टू के बराबर होना चाहिए, ए वन ए टू के बराबर होना चाहिए। तो ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, यानी कोई भी वैल्यू लीजिए वो हमेशा बराबर होगी, और जब बराबर होगी तो हम कह सकते हैं वन वन है। ठीक है, अब अगले में आइए, लेट बी ए बिलोंग्स टू बी इंटू ए, देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू ए इंटू बी सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, डेफिनेशन में ये लिखा है कि एफ ए बी इक्वल टू बी ए। तो आपके पास कोई भी आप अगर इसको बिलोंग करवाएं तो आपको जरूर इसमें एफ ए बी मिल जाएगा, जहां पर ए बी ए इस तरीके से मिल जाएगा कि यहां पर ए बी होगा। बाय डेफिनेशन एफ इज ऑन टू ऑल्सो बाइजेक्टिव। अब देखिए नाइन्थ में है, लेट एफ इज फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर है। किस तरह डिफाइन किया है एफ एन को, एन प्लस वन बाय टू इफ एन इज ऑड, ऑड होगा तो एन प्लस वन बाय टू, इवन होगा तो एन बाय टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। चलिए साहब एफ वन क्या है, एफ वन रख के देखिए, आप यहां वन रख के देखिए, वन प्लस वन बाय टू दिस इज वन, और एफ टू रख के देखिए टू बाय टू इट इज वन। तो एफ वन पे भी वन आ रहा है, एफ टू पे भी वन आ रहा है, तो इसका मतलब वन टू वन है, वन वन तो है नहीं। अगले पे आते हैं, कंसिडर अ नेचुरल नंबर इन कोडोमेन एन। हम एक नेचुरल नंबर बोलते हैं कि जो कोडोमेन में, कोडोमेन में है ना। अब कोडोमेन में है तो पहले मानते हैं एन इज ऑड, एन ऑड है मतलब एन इज इक्वल टू आर प्लस वन होगा। अच्छा एन हमेशा टू एन प्लस वन मानते हैं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एन के बारे में बात हो रही है, इसलिए टू आर प्लस वन मान लेते हैं, टू आर प्लस वन। फिर यहां पर देर एग्जिस्ट फोर आर प्लस वन भी, टू आर प्लस वन है तो टू फोर आर प्लस वन भी होगा, सच दैट एफ टू आर फोर आर प्लस वन को रख के देखिए आप, फोर आर प्लस वन रखते ही टू आर प्लस वन आ गया। ठीक, एन हमने क्या किया कि एन को ऑड माना, टू आर प्लस वन रखा, और टू आर प्लस वन जैसी रखा हमने तो टू आर प्लस वन है तो फोर आर प्लस वन भी तो इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि एन इज ऑड, फोर आर प्लस वन भी ऑड होता है। चाहे टू आर प्लस वन करके दिखाता हूं मैं, टू आर प्लस वन, फोर आर प्लस वन, वन रखिए थ्री आएगा, वन रखिए फाइव आएगा, टू रखिए फाइव आएगा, टू रखिए नाइन आएगा, हमेशा ऑड आएगा। तो हम दोनों के लिए देख रहे हैं, तो फोर आर प्लस वन रखिए, टू आर प्लस वन आ जाएगा आपका। इसी तरीके से अगर एन इवन है तो एन इक्वल टू टू आर, इसी तरीके से एन इक्वल टू फोर आर भी है, फोर आर रख के देखिए, फोर आर बाय टू दैट इज ऑलवेज टू आर। तो आप चाहे किसी भी वैल्यू की बात करें, टू आर प्लस वन पे ही जाके वो टू आर प्लस वन ऑड ही बनेगा। कोई भी वैल्यू डालें हमेशा ऑड ही आएगी, और कोई भी वहां पर वैल्यू डालें चाहे टू आर डालें चाहे फोर आर डालें, हमेशा वो टू आर ही बनेगी, इवन ही बनेगी। तो इसका मतलब एफ इज ऑन टू, तो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं, वन वन है, वन वन नहीं है और ऑन टू है, इसके मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब टेन पे आते हैं, टेन में है ए आपको आर माइनस थ्री मिला है, मतलब रियल नंबर में तीन हटा दीजिए, और बी है रियल नंबर में वन हटा दीजिए। कंसिडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये है आपका वन वन है, ऑन टू डिफाइन करना बताना है आपको। तो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, कोई एक्स और वाई इसको बिलोंग करते हैं तो एफ एक्स और एफ वाई बराबर होने चाहिए, है ना। कोई भी एक्स और वाई डालें तो अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब वन वन है, हर एक का लेफ्ट से हर एक राइट से संबंध होगा। तो x माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस टू बाय वाई प्लस थ्री, इसको सॉल्व करें आपको x इक्वल टू वाई मिल जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर बता दिया इसने कि ये वन वन है। अब आते हैं ऑन टू पे, लेट y बिलोंग्स टू b, और b क्या है r माइनस वन, यानी कि y वन नहीं हो सकता। द फंक्शन f इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल टू y, कोई बात नहीं, हम यहां पर x माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री fx की जगह रख देते हैं, यहां पर तो y है ही। अब क्या करेंगे, x को क्या बना लेंगे y के टर्म्स में, ऐसे ही करते हैं हम हमेशा, यहां पर आपको वैल्यू रख के y रखते हैं और y को x के टर्म में बनाते हैं। तो यहां पर ये बना दिया,
लेकिन साहब वाई तो आयन हो नहीं सकता, बिल्कुल सही है ये। फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट टू ये वाली, फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट दिस सच दैट, अब इसमें रखिए आप ये वाले में एफ, क्योंकि अब एफ एफ देखिए हम करते क्या है, मैं आपको बताता हूं इस ऑन टू में करते क्या है, ये आपको तरीका लगेगा क्या हो रहा है इसमें। एफ एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो एफ वाई इक्वल टू एक्स होना चाहिए, बस ये हमको करना है। तो एक्स को वाई के टर्म्स में कर दिया, वाई को एक्स के टर्म में कर दिया, तो यहां पर जो भी आपकी वैल्यू एक्स बनी वो आप सीधा इसमें रख दीजिए, वाई की जगह ये सॉरी जो जो वाई आप लेके आए ये एफ टू माइनस थ्री वाई बाय वन माइनस वाई, तो ये इस वाले में आप रख दीजिए, कौन सा है आपका जो पहला वाला है, यानी पहले तो एक वाई के टर्म्स में निकाल लिया इस इक्वेशन को और उसको इसी में डाल दिया, यही काम किया, पहले इस इक्वेशन को वाई के टर्म में निकाल लिया है ना, और फिर क्योंकि एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री है तो एक्स की जगह इसको रिप्लेस कर दिया और ये क्या आया वाई। अब जब एक्स को वाई के टर्म्स में लिखा और जब उसको इसी इक्वेशन में डाल दिया तो हमारे पास वाई ही आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो ये ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये वन वन और ऑन टू है। ग्यारह सवाल में आते हैं, एफ आर एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर, करेक्ट आंसर निकालना है, वन वन है वन, ये तो खैर इतनी सारी चीजें अभी देख लेते हैं एक एक करके। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स की पावर फोर, तो एफ एक्स और एफ वाई को इक्वेट कर दीजिए, एक्स एक्स फोर इज इक्वल टू वाई की पावर फोर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन की पावर फोर से का पावर ले लीजिए दोनों साइड, तो अरे ये तो प्लस माइनस वाई आ गया, ठीक है ये प्लस माइनस वाई आ गया, मतलब एक्स की दो वैल्यू मिल रही है, एक्स को प्लस वाई भी मिल रही है, एक्स को माइनस वाई भी मिल रही है, तो इसका मतलब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ये डज नॉट एम्प्लाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, इसका मतलब ये वन वन तो है नहीं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वन डालिए या माइनस वन डालिए आपको वन ही मिलेगा। अब एक एलिमेंट आप टू मान लीजिए कोडोमेन में है, कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है आपके पास एक्स की पावर फोर जो आपको टू दे दे, कोई ऐसी वैल्यू डाल के देखिए, इसमें ऐसा एक्स आपको मिल ही नहीं सकता आर में जो आपको टू वैल्यू दे दे, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, तो ना ये वन वन है ना ऑन टू है। बारहवें पे आते हैं, आपके पास इक्वेशन है एफ एक्स इजिकल टू थ्री एक्स, आपको बताना है क्या है ये एफ एक्स इजिकल टू थ्री एक्स, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स वाई बिलोंग टू आर कर रहे हैं तो एफ एक्स और एफ वाई बराबर होने चाहिए, दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए, थ्री एक्स इजिकल टू थ्री वाई यानी एक्स इजिकल टू वाई, तो वन वन तो हो गया ये। अब आप इसमें आइए दूसरे ऑन टू निकालने के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू थ्री वाई है, इसको वाई बना दीजिए, तो एक्स क्या हो जाएगा वाई बाय थ्री। अब इस वाई बाय थ्री को इसमें एक्स में ही डाल दीजिए, वो यहीं पे हुआ है, देखिए एक्स वाई बाय थ्री में कर दिया, इसको वाई बाय थ्री डाल दीजिए, ये वाई आना चाहिए, देखिए साहब ये वाई आ गया क्योंकि थ्री इंटू वाई बाय थ्री इज वाई, तो ये ऑन टू भी है, इसका मतलब ये वन वन भी है ऑन टू भी है, द करेक्ट आंसर इज ए।